ये खुशी देखिए, ये उत्साह देखिए। तस्वीर इस वक्त मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद से है। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, सभी को हैरान कर दिया है, तो वहीं चुनाव में 2023 का अक्स भी दिखा दिया है। आने वाले चुनाव को कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ लड़ने वाली है। हमारे मैं हार स्वीकार करता हूं, मुझे कोई शक नहीं, जनता ने तय कर लिया, बदलाव के लिए जनता ने तय कर लिया। जनता अब ये घोषणाओं से, शिवराज सिंह के नाटक से, शिवराज सिंह के नौटंकी से मध्य प्रदेश की जनता का पेट भर गया है। दावा तो टाइट है, फिस हो गया ना, वो हेलीकॉप्टर खड़े रखे हैं, जैसे बच्चों की पुलिस होती है ना कि मेरे पास बंदूक है मैं मार दूंगा, मैं पुलिस हूँ पकड़ लूंगा, ऐसे ही कमलनाथ जी कह रहे मेरे पास हेलीकॉप्टर में जीत जाऊंगा, तो हेलीकॉप्टरों से नहीं जीतते कमलनाथ जी। बहरहाल इस चुनाव में मध्य प्रदेश में सियासी पारा तो गर्म कर दिया है, तो वही ये नजर आने लगा है कि 2020 में आए गहरे घाव को भरकर और उससे उभरकर कांग्रेस खुद के किले को मजबूत करने के प्रयास कर रही है, और बीजेपी के लिए ये दौर फिलहाल किसी बड़े मंथन से कम नहीं होगा कि आखिर 2 साल से ज्यादा का वक्त बिताने के बाद बीजेपी ने और सरकार ने आखिर कमी कहां कर दी, जिसके चलते 16-0 का स्कोर बीजेपी मध्य प्रदेश में बरकरार नहीं रख सकी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमपी स्वराज।